Hi friends and viewers, I am Chef Tanzil. I make recipes from all parts of the world. Please do subscribe and hit the bell icon and don't forget to like. Thanks once again. आज हम बनाएंगे दही वाले आलू। तो चलिए मेरे व्यूअर्स स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए चाहिए हमें प्री बॉयल आलू। वो आलू को हमने बॉयल करना है, डी स्किन करना है और बड़े हैं तो 1x4 या 1x2 करना है। और हमें कैशू नट और मेलन सीड्स या चार मगज, इन दोनों को बॉईल करके हमने अच्छा सा पेस्ट बनाना है मिक्सर में। पेस्ट रेडी है। दही एक बोल में हम मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इन सब की इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, प्लीज जरा आप देख के उसे फॉलो करना। हल्दी या टर्मरिक पाउडर, धनिया पाउडर, क्यूमन पाउडर या जीरा पाउडर, सौंफ पाउडर, या फेनल पाउडर, कसूरी मेथी या ड्राई फेनुग्रीक लीव्स, इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे। स्वाद अनुसार नमक और हमने जो आलू बॉईल किए थे इन सब को अच्छे से उसमें मिक्स करके मैरिनेट करेंगे आलू को। आलू को अच्छे से मिक्स करके उसमें थोड़ा देर के लिए उसको रेस्टिंग पर रखेंगे। आलू जब बॉईल करते हैं तब हम उसमें उस पानी में थोड़ा नमक डालेंगे। मैरिनेटेड आलू रेडी है। गरम मसाला पाउडर, लौंग, ग्रीन इलायची, होल जीरा या क्यूमन सीड, ब्लैक सॉल्ट या काला नमक, चॉप ग्रीन चिली और फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। एक पैन में तेल डालकर हम जो मैरिनेटेड किए हुए आलू है वो डाल के हम उसको सौते करेंगे। सौते मतलब धीरे से करना है, उसके ऊपर थोड़ा हार्ड क्रस्ट आना चाहिए। उसको ऐसे छोड़ देंगे थोड़े देर के लिए। दही में कश्मीरी रेड चिली पाउडर, दही को अच्छे से फेंट लेंगे, फिर हम उसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे, टर्मरिक पाउडर या हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर या कोरिएंडर पाउडर, जो हमने काजू और मगज का पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे।
रेडी है। आलू भी हमारा जो सौते किया हुआ है, देखो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक पैन में जीरा, लवंग और इलायची सौते करेंगे। जब ये अच्छे से सौते हो जाए, क्रैकलिंग हो जाए, तब तक करेंगे अब हम उसमें कुटी हुई ग्रीन चिली डालेंगे। अब हम उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा पानी, जो हमने दही और काजू और चार मगज का फेटा हुआ पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। दही डायरेक्ट हम तेल में डालेंगे तो वो कर्डल हो जाता है या फट जाएगा, तो इसके लिए, उसको बचाने के लिए हम काजू और मगज का पेस्ट साथ में इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि उसको वो होल्ड कर सके। इन सबको अच्छे से चलाते रहना है थोड़ा धीमी आंच पे। जब दही में थोड़ा उबाल आ जाए तो थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर सकते हैं। अब कंटिन्यू चलाते रहेंगे। देखिए थोड़ा हल्का हल्का उबाल आ गया है। अब उसमें हम काला नमक डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक भी डालेंगे। चॉप फ्रेश धनिया पत्ते या कोरिएंडर लीव्स डालेंगे। और जो हमने सौते किए हुए जो आलू है वो हम इसमें धीरे से छोड़ेंगे। अब हमें इनको इसमें साथ में थोड़ा देर और पकाना है। कसूरी मेथी डाल लेंगे। मेरे व्यूअर्स, वंडरफुल व्यूअर्स, मुझे तो बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी, दही वाले आलू बहुत बहुत ही बेहतरीन है। दही वाले आलू बनकर रेडी है। चलिए मेरे साथ एक वंडरफुल प्लेटिंग करेंगे। मेरे वंडरफुल व्यूअर्स, प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए और नए नए वीडियो देखते रहिए और उन्हें उनसे सीखिए और अपने घर पे भी बना के उसे तैयार कीजिए। अपने गेस्ट को खिलाइए, अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए। और प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड कमेंट्स, एंड प्लीज़ शेयर योर आइडियाज़ टू मी। थैंक्स वंस अगेन फॉर विजिटिंग माई चैनल। थैंक्स वंस अगेन।